अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये ओनर का 75 मॉडल है और इसका फोल्डर ख़राब हो गया है, मगर डिस्प्ले इज़ ओके। तो इसका हम आज फुल प्रोसेस आप लोगों के सामने बताएंगे, किस तरह से इसका ग्लास चेंज किया जाएगा टच। और मैं अभी इसको रुख पहले ओपन कर लेता हूँ, और ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ है और ताकि आप लोगों को शुरू से मैं बताऊं, ताकि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें। देख लीजिए, ग्लास इसका किस तरह से टूटा हुआ है, बिल्कुल जो है कोई ऐसा एंगल नहीं बचा हुआ है कि जहाँ से टूटा ना हो, बट डिस्प्ले ओके। तो इसी को हम बड़े ही आसानी से और ईज़िली इसको हम सेट करेंगे नया ग्लासेस के अंदर न्यू टच, और इस तरह से आप अपने पैसे को सेविंग करेंगे। मैंने शुरू शुरू में बताया था पहले वीडियो में कि किस तरह से मोबाइल का ग्लास टच टूट जाए, डिस्प्ले अगर सही है तो किस तरह से रिपेयर किया जाएगा, डिस्प्ले ख़राब हो जाए टच सही है तो किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। जो पैसे सेविंग के मामले हैं वो अब धीरे धीरे मैं आप लोगों के सामने शेयर भी कर रहा हूँ, और आप लोग देख भी रहे हैं, देखेंगे भी कि मतलब किस तरह से सेविंग होता है। तो हर एंगल से इसका जो है टच बिल्कुल टूट चुका है, चूर चूर जिसको कहते हैं हो चुका है। और इसका मैं फोल्डर पहले ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका इसे निकाल करके बताऊँगा। मैंने वीडियो को कुछ स्पीड किया हुआ है ताकि आप लोगों का वक्त बचे, फिर भी दोस्तों तकरीबन 10-11 मिनट के वीडियो हो जाते हैं, लेकिन बट कोई बात नहीं है। ये है कि पूरा फुल आपको नॉलेज मिलेगा इसके अंदर कि मतलब किस तरह से इसे जो है रिप्लेस किया जाता है। ये देखिए, हमने टच जो है फोल्डर को अलग कर दिया है। और दोस्तों, ये मैं मोबाइल बना रहा था तो मेरे हाथ में भी ग्लास चुभ गया था, और उसको बड़े इजीली मैंने उसको बड़े हिसाब से उसको लेंस में देख करके और फिर ट्यूज़र से उसे मैंने निकाला है। तो आइए जो है इसे इधर उधर से देख रहे हैं कि कहीं से कोई ग्लास टूट करके कहीं डिस्प्ले के जो है हेड पर तो नहीं जो है चला गया है। फिर उसके बाद ये हमने निकाल लिया है। अब ये जो टच है ऊपर का, वो उसका सोल्डिंग किया हुआ है, तो सोल्डिंग की वजह से उसे पहले सॉल्ट हम निकालेंगे, क्योंकि उसे सॉल्ट निकालने के बाद फिर मैं आपको आज वो भी प्रोसेस बताऊंगा जो ग्लास टच और डिस्प्ले को जो दोनों को जो है जुदा करता है, अलग करता है, और किस तरह से उसे किया जाता है। बहुत ही केयरफुली किया जाता है, और ये प्रोसेस यकीन जान लीजिए आप लोगों के लिए बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका भी डिस्प्ले ओके है और ग्लास ख़राब है, टच ख़राब है, तो आप इजीली इसे किस तरह से सही कर सकते हैं, बिल्कुल जो है कम बजट में भी आपका ये काम हो जाएगा और बिल्कुल न्यू की तरह लगेगा। कि मतलब फोल्डर जिस तरह से न्यू लगाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से लगेगा, उसमें कोई जो है बदलाव और इस किस्म से कोई चीज़ नहीं होगी। बस सिर्फ इतनी बात होगी कि आपके पैसे सेविंग हो जाएंगे, बच जाएंगे, काफ़ी पैसे आपके बचेंगे। तो इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि मतलब आपके पैसे को सेविंग किया जाए। कोरोना काल के अंदर जानते ही हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोबाइल अगर ख़राब हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं बिल्कुल, कि किस तरह से उसे रिपेयर कराया जाए, बनवाया जाए। बहुत से लोगों के मोबाइल ख़राब हो चुके हैं, उन्होंने रख दिया है कि मोबाइल अब बनवाना नहीं है, क्योंकि इसलिए कि कहीं काम है ही नहीं, कोई जॉब है ही नहीं, इसलिए दिक्कत उनको ज़्यादा हो रही है। तो आप लोग भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो बड़े ही आसानी से आप लोग भी रिपेयर करवा सकते हैं और बजट में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो दोस्तों, हम आपके लिए और आने वाले वक्त के अंदर एक गिव अवे भी लाएंगे, एक ऑफ़र भी लेके आएंगे, और आप लोग देखेंगे कि जो है उस ऑफ़र के अंदर सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे वीडियो देखने वाले जितने लोग हैं, सभी लोगों के लिए गुड लक चांस होगा कि वो अलग अलग कीमतों पर, जैसे हेडफोन हुआ, डाटा केबल हुआ, उसके बाद जो है मोबाइल का चार्जर हुआ बढ़िया क्वालिटी का, इस किस्म के ऑफ़र्स हम लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को पता
चले कि जो है मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वीडियोस बनाते हैं और गिव वगैरह भी और ऑफ़र वगैरह का भी इंतज़ाम हम रखेंगे। तो ये आने वाले वक्त में हम ये करते रहेंगे। ये मशीन है जिसके ऊपर हमने रख करके और ग्लास को वैक्यूम कर दिया है उसे और जो है चिपका दिया, ये हीट करता है। और इसी मशीन से हम फोल्डर वगैरह भी निकालते हैं, ग्लास जो है टच वगैरह भी ओपन करते हैं। तो अब ये ऊपर के साइड डिस्प्ले है और इसके नीचे के साइड आप जानते ही हैं कि जो है ये टच है, जो कि बिल्कुल एकदम टूट चुका है, एकदम अलग अलग हो चुका है। और ये है वायर, जिस वायर की मदद से आप देख रहे होंगे, बहुत ही बारीक वायर होता है, शायद आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा हो, तो इसलिए मैंने सामने रखा है और बिल्कुल कैमरा हिलने नहीं दे रहे हैं, इसको जंप नहीं होने दे रहा, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे कि मतलब क्या जो है कैसे हो रहा है ये और किस तरह से इसे दोनों को अलग किया जाता है। ये दोनों गम लगा करके कंपनी से जो आता है वो बिल्कुल अटैच होता है उसी में। और ये देखिए, हमने नीचे की साइड से वायर लगाया है और वायर लगाकर अब धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ हम खींचेंगे भी। ये कुछ गम वगैरह लगा हुआ था पहले, मोबाइल हमने जो टच और डिस्प्ले को अलग किया था उसमें का होगा दोस्तों, तो उसे हमने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद अब हम इस वायर को उस बीच में लगाएंगे, यानी डिस्प्ले और टच के बीच में ये वायर काम करेगा। और आराम से केयरफुली इसे जो है लगा करके और धीरे धीरे इसे पुश करना रहता है, खींचना रहता है, ताकि जो है जो गम है वो गम जो है कट जाए पूरी तरह से और दोनों को जुदा कर दे, अलग अलग कर दे। अब ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे हम इस काम को कर रहे हैं। कभी कभी वायर भी टूट जाता है ऐसा करने पर, हालांकि वायर तो बहुत ही मज़बूत आता है, लेकिन फिर भी जो है इसका जो गम का जो ताकत होता है, उसके जो पेस्टिंग होती है हार्ड होती है, इसकी वजह से वायर भी टूट जाता है कभी कभार। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है, मान लीजिए वायर टूट गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए वायर टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम और ज़्यादा निकाल लेंगे और फिर दूसरी तरफ से हम इसे जो है टच को अलग करना शुरू कर देंगे। ये देखिए तकरीबन जो है अब ये पूरी तरह से अंदर तक आ चुका है और इसके अंदर डर ये रहता है, इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर फिल्म आती है, एक पत्ता आता है, तो वो भी कभी कभी कट जाता है जिससे डिस्प्ले के अंदर वाइट नज़र आता है, तो वो तो फिर बाद में अलग से मिल भी जाता है और उसको लगा दिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये तकरीबन आधा जो है हाफ़ तक हम पहुंच चुके हैं और हाफ़ के बाद अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन ऊपर का हिस्सा दोनों अलग हो चुका है, टच और डिस्प्ले। कहीं कहीं दोस्तों ये फंस जा रहा है, इसलिए फंस रहा है क्योंकि इसका टच जो है पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है, एकदम टूट चुका है पूरी तरह से। और वो थोड़ा सा आप नीचे ऊपर जो है बना हुआ है जो है हो गया है, इसकी वजह से वायर को कभी कभी पकड़ रहा है। ये देखिए हो गया दोस्तों, ये देखिए टच आपका बिल्कुल नीचे रह गया और ये डिस्प्ले, ओनली डिस्प्ले ये ओपन हो गया। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये गम है, जो इसके अंदर ग्लू इसका नाम होता है, ग्लू जो लगा जो है लगता है डिस्प्ले और टच के बीच के अंदर ग्लू लगा हुआ रहता है। इसी वजह से ग्लू की वजह से जब टच टूटता है तो आपके हाथ में चुभता नहीं है, और ना ग्लू ना रहे तो फौरी तौर पर आपके हाथ में चुभ जाएगा और ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम इसे अलग कर दिए हैं और अब मशीन को हम जो है साइड में रख देते हैं और उस ग्लू को, डिस्प्ले के ऊपर से जो ग्लू है उस ग्लू को हम निकालते हैं, बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा डिस्प्ले कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसे टेस्ट करेंगे कि हमारा ये निकालना क्या सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, बड़े ही कायदे से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ बड़े आसानी से, तो आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और अगर इससे कुछ फ़ायदा अगर आप लोगों को हासिल हो रहा हो, जानकारी मिल रही हो, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन वगैरह बेल ऑन कर लें ताकि आप लोगों को मिलता रहे। ये देखिए जो इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है उसे हम जो है हैंड की मदद से, फिंगर की मदद से उसे हम साफ़ कर रहे हैं, उसे क्लीन कर रहे हैं,
धीरे धीरे इसे जो है वक्त काफ़ी लग जाएगा अगर इस तरह से हम करेंगे तो, वीडियो को पॉज करके हम लास्ट पर पहुंचा देते हैं ताकि जो है आप लोगों का वक्त बचे दोस्तों। इसका खासा ख्याल हमने रखा है, वरना मोबाइल रिपेयरिंग, एक मोबाइल रिपेयरिंग में तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय तो लग ही जाता है आम तरीके से, अगर टच और डिस्प्ले को अलग करके और फिर उसे बांधना रहे, असेंबल करना रहे, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। देखिए दोस्तों कितना ग्लो उसके अंदर से निकला हुआ है और ये फाइनली हमारा डिस्प्ले जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, साफ़ हो चुका है। और आज इस मोबाइल को बनाते हुए और बनते हुए आप देख रहे होंगे तो काफ़ी कुछ नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। ये ग्लू का जो है क्लीनर है, ग्लू को क्लीन करता है, तो एक कपड़े में लगा करके और इसे हम क्लीन कर सकते हैं और इसे साफ़ कर सकते हैं। और जो बचा कुचा थोड़ा बहुत ग्लू होता है इधर उधर साइड में, तो वो इससे बड़े आसानी से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। अगर पहले लगा देते हम ग्लू ये वाला तो उसी में बिल्कुल मलबिस हो जाता, उसी के अंदर पूरा ख़राब होने लगता, कपड़ा भी ख़राब हो जाता, हैंड भी ख़राब हो जाता। इसीलिए पहले हमने जो मोटा परत था उसको हमने निकाल लिया और हल्का फुल्का जो बचा है उसे ग्लू की मदद से हम इसे साफ़ कर देंगे। तो तकरीबन ये हमारा डिस्प्ले पूरी तरह से एकदम क्लीन हो चुका है। अब हम इस डिस्प्ले को जो है वापस हम बॉडी के अंदर लगा करके इसे एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ये डिस्प्ले अभी तक सही है या ख़राब हो चुका है, क्योंकि अक्सर बेस्तर होता है ऐसा कि जो है डिस्प्ले और टच को अलग करने में फिर डिस्प्ले जो है ख़राब भी हो जाता है और बंद हो जाता है, दिक्कतें उसमें आने लगती हैं डिस्प्ले के अंदर। बस ये फाइनली हमारा चेक होगा, उसके बाद हम जो है इसके ऊपर टच लगा करके और आप लोगों के सामने इसे दिखाएंगे कि क्या वाकई में हमारा ये काम जो हुआ है वो सक्सेसफुली काम कर गया कि नहीं किया। अब बहुत सारे लोग हमें जो है फॉलो भी करते हैं और अच्छी बात है कि आप लोगों को इस वीडियो से और हमारे चैनल से नॉलेज मिलता है। ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारा ये कंप्लीट है, पूरी तरह से प्रोसेस अच्छा हुआ, यानी कि 100% जो जितना काम हमने किया अब तक टच को डिस्प्ले से अलग करना, खोलना और इसे फिर साफ़ करना, सारे प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ है और बिल्कुल 100% डन के साथ कंप्लीट हुआ। तो अब हम बैटरी से निकालते हैं, निकाल करके टच हमने असेंबल कर लिया है। आप लोगों का वक्त बचाते हुए हमने जो है फटाफट टच को जो है नीचे से हमने लगा दिया है, लगाने के बाद ग्लू लगा दिया है, उसके अंदर पेस्ट वगैरह लगा दिए हैं और कुछ स्क्रू वगैरह भी टाइट कर दिया हमने, इसे जो है कस दिया है और 2-4 स्क्रू जो है हमने रखा हुआ है। ये देखिए जो है दोस्तों ये हमने दूसरा इसके अंदर जो है लगाया है और आप को अभी मैं इसे ऑन करके भी दिखाऊंगा कि जो है क्या ये पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल बजट में आपके होगा दोस्तों, अगर इस किस्म की दिक्कत आपके मोबाइलों के अंदर आती है तो बेफिक्र हो जाएं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले कोई। और ये देखिए पूरी तरह से 100% परफेक्टली काम करेगा दोस्तों, एकदम ईजीली काम कर रहा है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए पूरी तरह से काम कर रहा है और न्यू की तरह से ये चल रहा है और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका। तो इस तरह से आप लोग भी अपने पैसे को सेविंग कर सकते हैं और बचा सकते हैं बड़े ही आसानी से। अगर आप लोगों का जो है डिस्प्ले वगैरह सही है, टच वगैरह सब टूटा हुआ है, या टच सही है, डिस्प्ले टूटा हुआ है, तो इस तरह से आप लोग भी अपने पैसों को सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें, और केयरफुली आप लोग जो है इसे देख करके और अपने नॉलेज और इल्म के अंदर इजाफा करें। आने वाले वक्त के अंदर हम आपको सॉफ्टवेयर से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देंगे, जो मोबाइल वगैरह हैंग करते हैं उसके से वो कैसे सही होगा, पैटर्न वगैरह जो लग जाता है वो किस तरह से टूटता है, सभी मोबाइलों के पैटर्न, सिक्योरिटी, FRP और इस किस्म से जो भी वीडियोज़ होते हैं वो मैं आप लोगों के सामने शेयर जरूर करूँगा ताकि आप लोग उसे देख करके, कुछ ऐसे भी लॉक होते हैं जो आप घर बैठे तोड़ सकते हैं और कुछ ऐसी FRP भी होती हैं जो आप घर बैठे आप लोग गूगल लॉक को भी उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे आने वाले वक्त के अंदर जो है, और आप लोग उसे देख करके और बिल्कुल उससे जो है फ़ायदा भी हासिल करेंगे। तो दोस्तों ये फाइनली हमारा हो गया है और इसे मैं अब कस्टमर
आपको देने में इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपके सामने हमने इजीली इसको एकदम सही किया है और बिल्कुल बजट के अंदर हमने इसको क्लीन जो है पूरी तरह से रिपेयर करके दिखाया है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।